एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज बात करेंगे कारक ग्रहों के बारे में। तो आज जो कारक ग्रह हम दशम भाव के कारक ग्रहों की बात कर रहे हैं, दशम भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वो हैं सूर्य है, शनि है, गुरु हैं और बुध हैं। तो दशम भाव के जो कारक ग्रह हैं ये अगर दशम भाव को देखते हैं या दशम भाव में बैठते हैं, उसी भाव में बैठ जाते हैं दशम भाव में, तो जातक जो भी है, जातिका है, वो जिसकी कुंडली है, उसको आजीविका के लिए कोई न कोई साधन जरूर प्राप्त हो जाता है, जो आप नौकरी के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा आप जरूर कर सकेंगे। तो फिर से समझने का प्रयत्न करें कि मान लो गुरु ग्रह है, वो दशम भाव का कारक है, तो वो अपने सातवीं दृष्टि से, पांचवी दृष्टि से और नौवीं दृष्टि से दशम भाव को देखता है या दशम भाव में बैठ जाता है गुरु ग्रह, तो वो ये एक स्थिति हुई। दूसरा है शनि ग्रह है, शनि ग्रह अगर सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखता है या तीसरी दृष्टि से या दसवीं दृष्टि से अपने दशम भाव को देखता है या दशम भाव में बैठ जाता है, तो ये कारक ग्रह के कारण का आपको अच्छी कुछ न कुछ साधन जो है नौकरी के लिए या व्यापार के लिए जरूर प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपकी आजीविका चलती रहेगी। इसी तरह से जो बुध ग्रह है और सूर्य ग्रह है, इनके सातवीं दृष्टि होती है, वो अगर दशम भाव पे आ रही है या दशम भाव में बैठे हों ये ग्रह, तो ये दर्शाते हैं कि जब भी जो जातक है ये ग्रहों की अगर स्थिति बलवान है, तो आपको जो आपकी आजीविका चलाने के लिए नौकरी या व्यवसाय के साधन जरूर आपको उपलब्ध हो सकेंगे। तो आप अपनी कुंडली में जरूर इस सूत्र को लगा के देखें। तो आपको अधिक जानकारी चाहते हैं तो व्यवसाय या नौकरी के संबंध में, तो जो हमारी चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, उस पे वीडियो उपलब्ध हैं, जो डिटेल्स में आपको बताने का प्रयत्न किया है उसके अंदर, तो आप उनको ज़रूर उनका लाभ उठाइए हमारे वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।